नमस्कार, आपका स्वागत करती हूँ केपीपीएन न्यूज में। आपके साथ मैं हूँ वैशाली वर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। रामनगरी अयोध्या में हाईवे के ओवर ब्रिज पर बन रही रामायण से जुड़ी कलाकृतियों की पेंटिंग का विरोध हो रहा है। नाका हनुमानगढ़ी के महंत रामदास व सपा नेता पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे ने इसे भगवान का अपमान बताया है। महंत रामदास का मानना है कि कलाकृतियां तो अच्छी बन रही हैं, लेकिन स्थान उचित नहीं है। दीवारों पर पेंटिंग इतनी ऊंची बननी चाहिए ताकि लोगों के हाथ वहां तक ना पहुंच सके। ओवरब्रिज पर जो भगवान राम से संबंधित कलाकृतियां बनाई जा रही हैं, उस पर कीचड़ पड़ेंगे और भगवान का अपमान होगा। वहीं पर सपा नेता व पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे ने महंत रामदास का समर्थन करते हुए कहा कि ओवरब्रिज की दीवारों पर धार्मिक कलाकृतियां बनाकर भगवान राम का अपमान हो रहा है। ओवरब्रिज के किनारे कीचड़ पड़ेंगे और भगवान राम का अपमान होगा। धार्मिक कलाकृतियों को लेकर पूर्व मंत्री पवन पांडे ने भाजपा पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि अयोध्या हाईवे ओवरब्रिज की दीवारों पर भगवान राम से संबंधित कलाकृतियाँ बनवाकर भाजपा सस्ती लोकप्रियता ले रही है। उन्होंने कहा कि भगवान राम के नाम पर भाजपा वोट मांगती आई है और वोट मांग कर सस्ती लोकप्रियता लेने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि ओवरब्रिज की दीवारों पर भगवान राम से संबंधित कलाकृतियां नहीं बननी चाहिए, इससे भगवान राम का अपमान होता है। दरअसल राज्य सरकार अयोध्या के सौंदर्यीकरण को लेकर शहादतगंज ओवरब्रिज से लेकर देवकली ओवरब्रिज तक रामायणकालीन भगवान राम के जन्म से लेकर गुप्तकाल तक की कलाकृतियाँ हाईवे के ओवरब्रिज पर बनाई जा रही हैं। वाराणसी के फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट इस काम में लगभग पिछले एक महीने से लगे हुए हैं और अब यह कार्य अंतिम चरण में है। चित्रकारी पहले से भी चली आई है, लेकिन भगवान की लीला दर्शन, उनके वनगमन के चित्र, उनके राज्याभिषेक के, बाल लीला के बन रहे हम लोगों ने भी देखा है, अच्छा लगा है। लेकिन यदि ऐसे स्थान पर हो रहा है कि जहाँ पर लोग जो है कीचड़ है या लक्षंका इत्यादि कर रहे हैं, ये गंदगी स्थान पर वहाँ नहीं होना चाहिए और ऊंचे स्थान पर हो जहाँ तक किसी के हाथ न पहुँचे या वहाँ पर किसी भी प्रकार का जो है कोई जैसे बंदर हैं ये हैं किसी प्रकार की गंदगी न फैलाएं। तो चित्रण हमारे ख्याल से चित्रकारी कोई गलत नहीं है, लेकिन स्थान उचित होना चाहिए। ये तो भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा धर्म की राजनीति की है, हमेशा धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम और धर्म के नाम पर अपनी टीआरपी को बढ़ा करके वोट लेने का काम किया है। ये जो पूज्य संत महंत गण ने आवाज उठाई है, मैं इसका पुरजोर समर्थन करता हूं। सड़कों पर देवी देवताओं के चित्र बना देना, उनके फोटो बना देना, पता लगा कोई उस पर गंदगी कर देगा, राह चलते कोई पान मसाला खा के थूक देगा। तो अगर हमारे देवी देवताओं के चित्रों पर छीटा पड़ जाएगा, चहटा पड़ेगा, तो ये देवी देवताओं का अपमान है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और मैं भारत के लोगों से कहना चाहता हूं, देवी देवता इनका एक स्थान है, मंदिर है, कृपया इनको मंदिर में ही रहने दें, इनको सड़कों पर लाकर अपनी सस्ती लोकप्रियता के लिए राजनीति न चमकाएं।